ऋषभदेव जी महाराज ने अपने मर्यादा को त्यागा, किस लिए? कहा दुनिया मर्यादा वाली है, ये दुनिया मर्यादा का ध्यान रखती है, और जिस दुनिया में मर्यादा की पूजा होती हो, जिस दुनिया में राम यदि अपने नियम अपने संयम में रहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिस दुनिया में यदि दुर्गा सीता अपने मन नियम में रहे तो वो देवी और जगदम्बा कही जाती है, वो दुनिया मर्यादा प्रधान है, सम्मान प्रधान है, ज्ञान प्रधान है, और ऐसी दुनिया में यदि मैं अपने वस्त्र रूपी मर्यादा का त्याग कर दूं तो ये दुनिया मुझे पागल तो कहेगी, मुझे दीवाना तो कहेगी, मुझे बावरा तो कहेगी, मुझे निर्लज्ज तो कहेगी, लेकिन कम से कम मेरे पास तो नहीं आएगी, मैं भगवान का नाम तो जप लूंगा, भगवान का भजन तो कर लूंगा। इसलिए ऋषभदेव दिगंबर बन गए। महात्माओं ने कहा महाराज ये तो अपमान है, जो स्त्री जीव जंतु मादाएं हैं जीव जंतुओं में उनका अपमान, तो ऋषभदेव ने एक पत्थर का घेरा बनाया, उस घेरे में बैठे, जब कोई आने लगता सांसारिक व्यक्ति मनुष्य तब वो उठकर नाचने लगते तो उनको देखकर लोग भाग जाते, बाकी पशु पक्षी उनको नंगे ना देखें इसलिए वो उसी घेरे में रहते। बहुत सारे महात्मा आए, महाराज हम भी परेशान हैं संसार से, हमें भी इस दिगंबर का नियम बताओ। महाराज ऋषभदेव ने सबको कहा जिस पाप का भागीदार मैं हूँ उस पाप का हिस्सेदार तुमको नहीं बना सकता, मैं किसी को दिगंबर की दीक्षा नहीं देता, ये कोई दीक्षा नहीं है, ये मेरी मनमुखी भक्ति है, और दुनिया को दिखा दिया कि मनमुखी भक्ति करने का उपाय कारण भी क्या होता है। भक्ति करनी है आप कंदराओं में जाकर छुप जाओ, आप किसी झाड़ी में जाकर छुप जाओ, गुमनाम हो जाओ, लेकिन मर्यादा का त्याग मत करो। जिस दिन ऋषभदेव भगवान ने मर्यादा का त्याग किया, दुनिया के बहुत सारे संतों ने अपनी मर्यादा का त्याग किया, और आज के जैनी संत गांव में नगरों में शहरों में नंगे घूमते हैं, जो ऋषभदेव जी पत्थर के घेरे में रहते थे उन्हीं ऋषभदेव को भगवान मानकर पूजने वाले जैनी संत गाँव गाँव घर घर घूमते हैं और नंगे घूमते हैं, अपनी मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते। यही है केवल आहेदुकी भक्ति रुत पाता एव केवल, जो शास्त्र में नहीं लिखी, जो विधान में नहीं लिखी, वो भक्ति उत्पात का ही कारण बनती है। और आज जब महात्मा घर घर जा रहे नंगे होकर, तो घर के बेटा बेटी नंगे हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझता मैं। जहाँ साधु मतलब संस्कृति, जहाँ की संस्कृति नंगी हो रही है और नंगे होकर घर घर घूम रही है, तो वहां के बच्चे यदि नंगे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। यद्यपि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा अगर कभी कड़वा भी लग जाए, दिल को ठेस भी पहुंच जाए, तो उसी से सुधर जाए, उसी से समझ जाए।